हरित ग्रुप ऑफ कंपनी डिजिटल सोलर इंडिया लाई है आपके लिए रोजगार का शानदार मौका। कंपनी को जिलों में चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर कोऑर्डिनेटर, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर और न्याय पंचायत कोऑर्डिनेटर। इसके साथ ही किसानों के लिए भी आया बम्पर ऑफर। कंपनी का स्मार्ट कार्ड बनवाने पर खाद से लेकर कृषि उपकरणों तक मिलेगी 50% तक की सब्सिडी और आसान किश्तों में मिलेगा सोलर पैनल। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है दुर्गापुर बाजार, मनसा कोल्ड स्टोरेज के पास, सुल्तानपुर प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे, अमेठी। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। लखनऊ एजबाग में हजारों लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पुलिस बल तैनात रहे। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई। लखनऊ परिवर्तन चौक पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को जेड प्लस की सुरक्षा देने और हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। सुल्तानपुर में घरहां स्थित ईदगाह में शहर काजी मौलाना हाजी अब्दुल लतीफ ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई और साथ में मुल्क में अमन व शांति के लिए दुआ की। इस मौके पर पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सुल्तानपुर जिलाधिकारी जसजीत कौर के निर्देश पर मुख्य राजस्व अधिकारी ने करीब 1.5 दर्जन लेखपालों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया और साथ में 3 कानून के क्षेत्र भी बदले गए। सुल्तानपुर में डीडीओ अजय कुमार पांडे के नेतृत्व में ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन ने जिला अधिकारी जसजीत कौर के माध्यम से पशुओं के संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था को 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा गया। सुल्तानपुर में गोसाईगंज थाना क्षेत्र के टाटिया नगर स्थित गोमती पुल की हालत फिर से जर्जर हो गई। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने पुल पर आवागमन बंद करवा दिया है। सुल्तानपुर में 29 जून भामाशाह जयंती को व्यापारी दिवस के रूप में कैबिनेट से पास होने पर जिले के व्यापारियों ने बाद मंडी चौराहे पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। अमेठी में ग्राम पंचायत बड़ौली में निर्माणाधीन अमृत सरोवर का निर्माण घटिया सामग्री पीली ईंटों से किया जा रहा है, जिससे सरकारी योजना फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रही है। अमेठी में महोना पश्चिम सहित जिले के सभी ईदगाहों में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद पेश की। अयोध्या में टाट शाह मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज सकुशल संपन्न हुई। नमाज के बाद इमाम मौलाना मुफ्ती शमसुल कमर कादरी ने देश में खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ मांगी। जौनपुर में बकरीद और सावन के त्योहार के मद्देनजर SDM नेहा मिश्रा और DSP के नेतृत्व में पैदल गश्त कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। जौनपुर की SDM नेहा मिश्रा ने किराकत में उप निबंधक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में तैनात 3 बाबू गैर हाजिर मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। बहराइच में अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश में समस्त क्षेत्राधिकारी व पुलिस टीम द्वारा ईद उल अजहा की नमाज संपन्न कराई और साथ ही धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात किए गए। लखीमपुर खीरी के शहर ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद नमाजियों ने अपने अपने घरों में कुर्बानी करने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। लखीमपुर खीरी में अखिल मिश्रा के संयोजन में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर हस्ताक्षर अभियान अर्जुनपुरवा सेठ घाट रोड पर चलाया गया, जहां पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।